warm good morning to respected ACP sir, Mr. Siddharth Jain, Chairman sir, Mr. Anil Thakkar, Principal ma'am, Mrs. Vandana Thakkar, Mr. Sunil Thakkar sir, and all the high dignitaries of Delhi Police present over here. I'm here to greet you a warm, wholehearted welcome as a representative of the entire DD Blessings family. I would like to call the dear children to offer the bouquet to sir and welcome him with their warmth. Delhi Police, Shanti, Seva, Nyay, as we all know, is the backbone of our society. We all are proud of them for being kind and cooperative all through. We are highly privileged to have Mr. Siddharth Jain, ACP of East Delhi, as our chairman, chief guest in the students' campaign for safety rules against organized by them. As we all know, there lies the greatest responsibility on the shoulders of your soldiers. We must thank him for giving his precious time for this occasion. Now I will come to the children. Alive today, alive tomorrow. The above line has a very clear-cut meaning. It lays stress on the importance of our alertness, our attentiveness. As long as we are inside our home or school, we are safe with our parents, guardians and teachers. But a single step outside our home or school may prove dangerous in case we are not alert. It can be road safety or safety against crime. So children, our honorable management have invited the Delhi Police authorities to guide and train you for the sake of your safety. Dear children, safety rules are the best rules. So without wasting much time, I would like to call ACP sir to come and start the function. Thank you. कैसे हो आप लोग सब? सब अच्छे हैं? बढ़िया, पढ़ाई अच्छी चल रही सबकी? पूरी होमवर्क कंप्लीट करते हो? हाँ, ऐसा नहीं है मैं टीचर से पूछूंगा बुला बुला के कौन कौन से बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है? और बदमाशी तो नहीं करते स्कूल में? अच्छा, हो ही नहीं सकता ऐसा? हाँ, प्रिंसिपल मैम बताती रहती कि बच्चे बदमाशी करते, ऐसा नहीं है। तो मेरा नाम सिद्धार्थ जैन है, मैं यहाँ पे एसीपी गांधीनगर हूँ, पुलिस में हूँ। एंड पहला सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, पुलिस से डर लगता है कि नहीं है बताओ? यस, पुलिस से डर लगता है? जेनरली बता। हाँ, इसलिए नहीं कि मैं खड़ा हूँ तो एक बात बताओ, पुलिस से आपको डरना चाहिए कि चोर को डरना चाहिए? तो आप लोग तो नहीं हो, तो फिर आप क्यों डरते हो पुलिस से? अगर आप अच्छे बच्चे हो, सब कुछ अपने रूल्स एंड नॉर्म्स फॉलो करते हो, ठीक है, किसी को तंग नहीं करते हो, अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करते हो, अपनी पढ़ाई पूरी करते हो, टाइम पे घर पे आते हो, टाइम पे घर पे जाते हो, ठीक है, तो आप लोग को पुलिस से क्यों डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए? तो नहीं डरते ना आप लोग पुलिस से? बिल्कुल ही डरते? ठीक है, ये पहला चीज है। अब मैं आ जाता हूँ कुछ, ये हमारा 16 फरवरी से 22 फरवरी तक दिल्ली पुलिस वीक चल रहा है, मतलब दिल्ली पुलिस साल में एक हफ्ता मनाती है, एक तरह समझ लो त्यौहार है हमारा एक हफ्ते का। इस 7 दिन में हम क्या करते हैं, अलग अलग स्कूल में जाते हैं और कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, आपके घर हो गए, हमारे स्टाफ जाएगा घर में, ये बताएगा कि दिल्ली पुलिस क्या क्या अच्छे काम कर रही है, ठीक है? तो मैं भी उसी इनिशिएटिव के अंदर स्कूल में आपके पास आया हूँ दिल्ली पुलिस वीक के अंदर ही, और मैं आप लोगों को कुछ गाइडलाइंस देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी बताया गया कि यहाँ पे नर्सरी से लेके क्लास 8 तक के बच्चे हैं, ठीक है, 8 तक के बच्चे, उससे बड़े तो नहीं है, तो 8 तक के बच्चे हैं, तो मैं कुछ आप लोगों को कुछ गाइडलाइंस देना चाहता हूँ, जो गाइडलाइंस आप प्रॉमिस करें कि आप याद रखेंगे। सब प्रॉमिस करते याद रखेंगे? बोलेंगे तो नहीं? ठीक है, तो कुछ गाइडलाइन ये है कि सबसे पहले आप किसी भी अननोन पर्सन से कुछ भी चीज नहीं लेंगे, पहला पॉइंट है। कोई भी अननोन पर्सन से ना तो आप चॉकलेट लेंगे, ना कोई गिफ्ट आइटम लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे,
क्लियर है, कोई आपको रूट पे मिले, कोई आपको ऑटो में मिले, बस में मिले, आप रास्ते में पैदल आ रहे तो मिले, आप किसी भी अननोन पर्सन से कोई सामान नहीं लेंगे, ये प्रॉमिस करें आप पहले, नहीं लेंगे, पोलाइटली डिक्लाइन करेंगे। जैसे कोई बोल रहा है कि बच्चा ये टॉफी ले लो, नहीं अंकल जी मैं नहीं ले सकता, ये बोल के आप चले आएंगे, ठीक है। कोई अननोन पर्सन अगर आपको फॉलो करता है, खासकर 10 बच्चे जो हैं, अगर कोई आदमी आपको फॉलो कर रहा है, कोई लड़का हो गया, कोई बड़ा व्यक्ति हो गया, जो आपको लगता है कि 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ, ये मुझे देख रहा है या मुझे फॉलो कर रहा है, ये देख रहा है मैं कहाँ से आती हूँ, मैं स्कूल में कब जाती हूँ, या अगर मेरी छुट्टी हो रही तो गेट के बाहर खड़ा रहता है, तो इमीडिएटली आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताएंगे और प्रिंसिपल मैडम को बताएंगे और अपने टीचर को बताएंगे, 3 लोगों को आपको बताना है, क्लियर है। पहले आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे, मम्मी पापा को, दूसरा आप अपनी स्कूल टीचर को बताएंगे और तीसरा प्रिंसिपल मैडम को बताएंगे, क्लियर है ये। आप प्रॉमिस करते हैं बताएंगे ऐसा कुछ है तो? बिल्कुल नहीं छुपाएंगे, कोई भी हो आपको लग रहा बता दो, ठीक है। थर्ड, कभी भी आपके डिफिकल्टी में फंसते हो, कभी भी आपके डिफिकल्टी में फंसते हो, आपको लग रहा है कि आप वहां से नहीं निकल पा रहे हो, कोई इश्यू है, तो कोई भी अगर आपको एक जेन्युइन आदमी लगे या कोई पुलिस वाला आपको मिले तो आप उसको इमीडिएटली जाके अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, क्लियर है ये। कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगे कभी भी, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि मेरे पीछे 2-3 लड़के पड़े जो मेरे से लड़ना चाहते हैं, होता है जनरली, कुछ बच्चों से लड़ाई हो जाती है, ये वो दिक्कत हो जाती है, ठीक है, कोई आपको डांट रहा है, डपट रहा है, तो इमीडिएटली आप किसी एक अच्छे व्यक्ति के पास या पुलिस वाले के पास, प्रायोरिटी आप पुलिस वाले को देंगे, पुलिस वाला कौन है जो यूनिफॉर्म में है, क्लियर है, जैसे वो खड़ा है कुशल इधर आ जाओ, इस यूनिफॉर्म में कोई भी व्यक्ति अगर आपको दिखेगा तो उसके पास जाएंगे और अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, क्लियर है, क्लियर है। अब नेक्स्ट में आता हूं, आप कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज जो आपके हेल्थ को नुकसानदायक देती है, जैसे जंक फूड हो गया, लेस, कुरकुरे, मैगी, ये चीजें आप अवॉइड करेंगे लाइफ में, क्लियर है। जंक फूड को आप कम से कम खाएंगे, सबको पिज्जा बर्गर बहुत पसंद है ना, तो मैं ये नहीं कह रहा मत खाओ, मैं कहूंगा इसको 1 वीक में एक बार या 2 वीक में एक बार, उससे ज्यादा नहीं खाएंगे, क्लियर है। जंक फूड आप नहीं खाएंगे, अवॉइड करेंगे, और स्कूल के आसपास से कोई जंक फूड नहीं खरीदेगा, क्लियर है। जैसे आप स्कूल आते हैं तो कोई आपको समोसे वाला मिलेगा, कोई चाट वाला मिलेगा, ठीक है, इनके आसपास, स्कूल के आसपास आप जंक फूड अवॉइड करेंगे, प्रॉमिस करते हैं। जंक फूड आप अगर खा भी रहे हो बहुत ज्यादा, जैसे मान लो हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार पिज्जा खाने का बहुत मन हो गया, तो हमेशा अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में खाएंगे, क्लियर है ये, क्लियर है। अब मैं आ जाता हूं कुछ ट्रैफिक के गाइडलाइन पे। ट्रैफिक के गाइडलाइन ये है कि एक तो 3 लाइट होती है ट्रैफिक में, पता है, रेड क्या होता है, ग्रीन क्या होता है, येलो क्या होता है, येलो होता है वेट, तो येलो में नहीं निकलना है गाड़ी को आगे, जब तक ग्रीन नहीं होता है तब तक गाड़ी आगे नहीं निकलेगी, आप लोग भी क्रॉसिंग नहीं करेंगे जब तक ग्रीन नहीं होता है, क्लियर है, ट्रैफिक गाइडलाइन क्लियर है। और कोई भी बच्चा जब तक 18 प्लस का नहीं होता, 18 इयर्स का नहीं होता, कोई भी बच्चा स्कूटी नहीं चलाएगा, ना स्कूटी चलाएगा, ना एक्टिवा चलाएगा, ना लूना चलाएगा, क्लियर है। ये खासकर जो 7th-8th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए गाइडलाइन है कि जब तक आप 18 प्लस के नहीं होते और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आप कोई भी व्हीकल नहीं चलाएंगे, क्लियर है। उसमें पता है क्या नुकसान है, उसमें आपको सजा नहीं है, उसमें आपके पेरेंट्स को सजा है, आपको सजा नहीं होगी, पेरेंट्स को सजा होगी कि आपने कैसे अपने छोटे बच्चे को गाड़ी दे दी, तो आपकी गलती के चक्कर में पेरेंट्स भुगतेंगे, तो आप चाहते हो आपके पेरेंट्स भुगते आपकी गलती के चक्कर में, नहीं चाहते ना, तो प्रॉमिस करिए कि जब तक आप 18 प्लस नहीं होंगे आप कोई गाड़ी नहीं चलाएंगे, क्लियर है। आप साइकिल चला सकते हैं, ठीक है, साइकिल चला सकते हैं आप, व्हीकल कोई नहीं चलाएगा। अब पुलिस का मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको, पुलिस, दिल्ली पुलिस इस पूरे इंडिया की जो सिटी होती है, शहर होती है, शहर की सबसे बड़ी पुलिस है, हमारे पास 80,000 लोग वर्क करते हैं,
80,000 की फोर्स है हमारी। आप देखते होंगे ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है, नॉर्मल पुलिस खड़ी रहती है। कई बच्चे, अभी याद होगा आपको मैंने यमुना क्लीनिंग वाला अभियान चलाया था, क्लीन यमुना, कई बच्चे आप लोग आए थे ना क्लीन करने यमुना। इस तरह के स्कीम दिल्ली पुलिस करती रहती है, ठीक है। आप लोगों का ये रोल है कि जब भी आप जाए तो पुलिस की तारीफ करे जाए, ठीक है। पुलिस को देखो, हर कोई बोलता है पुलिस बेकार है, गंदी है, बेकार है। आप ये चीज माइंड से हटा दीजिए, पुलिस बेकार नहीं है, पुलिस आपकी हेल्प के लिए है, 24/7 आपकी हेल्प के लिए है। आपको पता है अगर आप तकलीफ में फंसे तो कौन सा नंबर डायल करना है आपको, और 00 खत्म हो गया, 102 भी खत्म हो गया, अब एक ही नंबर है 112, ठीक है, क्लियर है बेटा आपको, 112 है नंबर, 100 खत्म हो गया है। अब कौन सा नंबर हमें याद रखना है, 112। चाहे आपको हॉस्पिटल के लिए नंबर डायल करना है, चाहे पुलिस के लिए नंबर डायल करना है, चाहे आपको फायर आग लगी है उसके लिए नंबर डायल करना है, तो एक ही नंबर है 112। अब तीन नंबर में बताऊंगा, याद रख लेना, 10, 9, 8। फिर से बोलो, ये वो नंबर है बेटा जब आपको लगे कि आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे एग्जाम आती तो बच्चों को टेंशन हो जाती है ना, कि टेंशन हो जाती है, इतना सारा सिलेबस है, मैडम ने इतना सारा होमवर्क दिया, कैसे होगा, क्या होगा। कई बच्चे सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कोई भी आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए काउंसलिंग को लेकर, कि आपको लग रहा है कि नहीं कोई मुझे मोटिवेट करे, कोई मुझे इंस्पायर करे, वैसे तो टीचर्स है, पेरेंट्स भी है, प्रिंसिपल भी है, लेकिन अगर आपको कोई भी आपका पर्सनल इश्यू है, जो बच्चों से रिलेटेड आपका पर्सनल इश्यू है, उसके लिए आपको कौन सा नंबर डायल करने, 10, 9, 8। क्लियर है, क्लियर है, करेंगे डायल जब रिजल्ट पड़ेगी तो। और अब मैं ये बता रहा था कि जब भी आप जाए तो पुलिस के हमें साथ रहना है, हम पुलिस से अलग नहीं है। आप में और मुझ में फर्क है कि आप लोग स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हो, मैं नॉर्मल यूनिफॉर्म पहनता हूँ, वो जो यूनिफॉर्म है ना, मैं आज पहन के नहीं आपके सामने, लेकिन वो यूनिफॉर्म मैं पहनता हूँ। जैसे आप भी जाते हो टाइमली स्कूल, वैसे मैं भी टाइमली ऑफिस जाता हूँ, हमारी भी टाइमली ड्यूटी होती है। आपके भी टास्क होते हैं कि आपको कोर्स कंप्लीट करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये सब पढ़ना है, टाइमली होमवर्क करना है, टाइमली एग्जाम देना है। मेरे पास भी टास्क दिए हुए हैं, ये टास्क भी हम लोग करते हैं, और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है कि आपकी सेफ्टी एंश्योर करना, आप लोगों की सेफ्टी एंश्योर करना, ये हमारा टास्क है। तो वो कब होगा, जब आप चीजें बताएंगे हमें। आप हमें ना बता सकते तो फिर प्रिंसिपल मैडम को बताइए, टीचर को बताइए, पेरेंट्स को बताइए। आपको कहीं भी कुछ लग रहा है कि गलत हो रहा है, कहीं भी कुछ भी लग रहा है गलत हो रहा है, तो आप इन लोगों के नॉलेज में ये बात लाएंगे, लाएंगे सारे बच्चे लाएंगे, कहीं भी कुछ गलत दिखता है तो आपको, आपको मोरल स्टडी पढ़ाई जाती है ना, मोरल साइंस पढ़ाया जाता है ना आपको, मोरल साइंस, तो मोरल साइंस ने सब लिखा कि क्या सही है क्या गलत है। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ते हैं, उसमें भी लिखा है क्या सही है क्या गलत है, तो उसमें जो जो बात है वो सही है, इसके अलावा जो बात है वो गलत है। तो आपको कुछ भी ऐसा लगे कि जो गलत है, आप इंफॉर्मेशन में लाएंगे, क्लियर है। और कभी कोई आपसे नंबर पूछे तो पुलिस के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर डायल करना है, और आपके लिए कौन सा नंबर डायल करना है, 10, 9, 8। अब मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो मुझे बता सकते हैं, मैं यहाँ पे हूँ। कोई भी ये भी बता सकते हैं कि होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, कुछ नहीं, सब अच्छा है। एक चीज मैं आपको बोलूंगा, पता है मुझे स्कूल में क्या खराब लगा, बताओ आप करोगे ठीक उस चीज को। एक चीज यहाँ पे देखो, प्लांट्स है ना हमारे लगे हुए, प्लांट्स कम लगे हुए हैं, प्लांट्स ज्यादा लगाना है। सेकंड, ये वॉल खाली क्यों है, यहाँ पे पेंटिंग्स क्यों नहीं है आपकी, बनाओगे पेंटिंग आप स्कूल के लिए अच्छी अच्छी, तो यहाँ पे पेंटिंग मिलनी चाहिए मुझे, और मुझे यहाँ प्लांटेशन और मिलनी चाहिए, करेंगे आप ये दो काम। और स्कूल को आपको साफ रखना है, ठीक है, कचरा डस्टबिन में डालते हैं, डस्टबिन कितने कलर के होते हैं, ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू का क्या पर्पस है,
हाँ कौन बताएगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या मतलब होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल का? आप बताओ। Which cannot mix with soil, but they do mix with soil. आप बताओ। The waste that cannot be decomposed or broken down naturally over a period of time. Great. Example? Plastic. मुझे मैं लगा example? Rubber degrade होता है? दिखाने के लिए आप यह प्लास्टिक का है बताओ। बैलून तो रबड़ है, ऊपर देखो स्विच बॉक्स। हाँ कहाँ है? गुड गुड। तो प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल कौन कौन से हैं? हाँ सर में वेजिटेबल एंड फ्रूट पीस। वेजिटेबल एंड फ्रूट पीस था बायोडिग्रेडेबल। तो ब्लू पे क्या डालना है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ग्रीन पे क्या डालना है? सिंपल है, वेजिटेबल ग्रीन कलर के होते हैं तो किस पे डालोगे? ग्रीन बॉक्स में, ठीक है। और बाकी जो वेस्ट है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है उसको कहाँ डालेंगे? ब्लू बॉक्स। तो आप लोग डालते हो वेस्ट? क्लीन रखते हो अपने स्कूल रूम को? तो ये भी हमारी एक ड्यूटी है, ठीक है। जैसे हमने यमुना क्लीन करी थी ना, वैसे हमें अपना स्कूल भी क्लीन रखना है, ठीक है। बेटा आपने अच्छा जवाब दिया, और आपने भी सही बोला बेटा। देयर कैनॉट मिक्स विद सॉइल, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये कि वो डिग्रेड ही नहीं हो सकते, ठीक है। और कुछ आप लोगों की प्रॉब्लम या कुछ ग्रीवांस? हाँ छोटे बच्चों की आपकी टाइमली स्कूल आ जाते हो? अब एक चीज और मैं दिखाऊंगा, इधर आओ बेटा। अब जब भी आप ठंड के समय रहते हैं ना, तो इन्होंने मास्क पहन रखा है। तो ठंड में हमें मास्क पहन लेना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है ना, तो उस समय हमें ये मास्क पहन कर रखना चाहिए, ठीक है। ये भी हम करवाते हैं, इसके भी अवेयरनेस कैंप लगवाते हैं हम, ठीक है। हमारे ट्रैफिक वालों को आपने देखा होगा, ट्रैफिक स्टाफ हमारा जो व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर की पैंट पहन खड़े नहीं रहते, तो मास्क पहने रहते हैं ना। हाँ तो ये भी एक अवेयरनेस है, ये भी आपको अपने माइंड में रखना है। सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तो बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, आफ्टर एग्जाम मैं चाहता हूँ पुलिस के संग ज्यादा अच्छा तालमेल बच्चों का रहे। उसके लिए आप एक छोटा सा मैच यहाँ पे बच्चों के साथ 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के बच्चों का पुलिस वालों के संग खेलने से इनका हेजिटेशन रिमूव होगा और ये ज़्यादा कंफर्ट और फ्री फील करेंगे। एक घंटे का एक छोटा सा क्रिकेट या वॉलीबॉल का कुछ मैच यहाँ अगर अरेंज हो जाए बच्चों के साथ तो दैट विल बी फाइन। जी मैं बिल्कुल करूँगा। सबसे अच्छा गेम कौन सा खेलते हैं बच्चे यहाँ पर? बेटा ऐसा गेम बोलो जिसमें आप कम्पीट भी कर पाए, हम हार गए वैसा गेम मत बोलो। देखो आप लोगों को तो जीतना ही है, हम आपको हरा तो पाएंगे नहीं, लेकिन ऐसा गेम बोले से कम्पीट कर पाए। फुटबॉल क्रिकेट बैडमिंटन कई सारे गेम बता रहे हैं आप। आप एक ऐसा गेम रखिए ना जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों पार्टिसिपेट कर सकते, बात कर लीजिएगा बच्चों से। बेटा उसका आप जीत जाओगे हमारे पास बिल्कुल। अभी मैडम आपसे, टीचर मैम अभी आपसे डिस्कस कर लेंगी, जो गेम में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों पार्टिसिपेट कर सके वो गेम हम रखेंगे, ठीक है। नेशनल एंथम करेंगे? नेशनल एंथम करेंगे सब बच्चे अपने अटेंशन पोजीशन पे। जन गण मन Yeah.
थैंक यू। Gratitude is the noblest and humblest of human emotions ever. So now it's the time to say thank you. We value and respect the pain and risk you take to make our lives easier and comfortable. There is no match for your caliber, hard work and efforts. Give a huge round of applause for the Delhi Police Corps.